दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ हैं मस्त हैं। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और अभी मैं हुई हूँ तैयार। आज ना हमारे गांव में महिला संगीत है, हमारे पड़ोसी में पूजा की शादी है, तो अभी ना वहाँ पूरी बनाने के लिए जाना है। हमारे पहाड़ी में ना ये परंपरा है, रीति रिवाज, कि सुबह सबसे पहले हलवा पूरी बनाया जाता है। तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं वीडियो, ठीक है, हमारे पहाड़ियों में उत्तराखंडी लोग क्या करते हैं। और यहाँ पे कुमावनी में ना सबसे पहले हलवा पूरी बनाते हैं, कोई भी शुभ कार्य क्यों हो, कोई भी शुभ कार्य हो सबसे पहले हलवा पूरी बनाया जाता है। उसको बोलते हैं हमारे वहाँ तैक लगाना, पहाड़ी भाषा में तैक लगोन छु कभी बोलनी न। तो दोस्तों देखते हैं आज क्या होता है, कैसे रहते हैं अब मेरा ब्लॉग। बहुत टाइम बाद में, 2-3 दिन हो गए मुझे ब्लॉग सूट नहीं किए। मैंने पहनी है पीली सूट क्योंकि अभी हल्दी भी है ना वहाँ, तो हल्दी में भी शामिल हो जाएंगे और पूरी भी बना लेंगे, तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो 8:30 क्या पहनती, मेरे को ना अब अजीब सा बवाला हो रहा था, मैंने कहा सूट डाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल दुकान में ही हूँ, दुकान का काम कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ दुकान का, सुबह का और दिन का खाने का। अभी स्वामी जी गए हैं डंगोली, मेरे से एक बड़ा बहुत बड़ा कांड हो गया, क्या करूँ यार जी। ये हुआ, मैंने अपने ना बाल काट दिए, और क्या लेटी बनाती थी मैं, मैंने इतने छोटे बाल कर दिए अपने, अब इनको समझ नहीं आ रहा मैं चुटिया बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। मुझे चुटिया बनाना बहुत पसंद था, और अब इनसे ना चुटिया बन रही है मेरी, ना कुछ हो रहा है, बस ऐसे ही खुला छोड़ो बस हो गया। वैसे ना सही हो रहा है क्योंकि जल्दी में बवाला लगता था मेरे को बाल बनाने में, और ऐसी वो करो कंघी मारो बस चुटिया बांध दो बस ठीक हो रहा है, अपने आप रहता है। आने वाले हैं और इसके पापा आए नहीं है, मैंने फ़ोन कर दिया है, जल्दी आओ करके। मेरे को ना जब भी इधर उधर जाना होता था ये शार्प हो जाते हैं, ऐसी है यार क्या करूँ ऐसी है ना। मेरा फ़ोन गिर गया और तो यहाँ पे पूरा बाहर का ग्लास ना फूट गया, क्या करूँ टेंशन हो रही है। मेरा वन प्लस ख़राब हो गया। लगी हूँ यहाँ ना, बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, मेरे हाथ में मिश्री है, खाली हाथ नहीं जाते, बस कैसे ले जाऊँ मैं, ये मेरे हाथ से छीन देंगे। तो यार मैंने सोचा था आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगी, पर ना मैं यहाँ पर देर में पहुँची और मेरे आने तक पूरी बन चुकी थी, और तो फिर ये देखो ऐसे बना रहे पूरी, सारी पूरी बना ली। ये देखो यहाँ पे लगाया है चूल्हा, रसोईया पहाड़ी रसोई, पूरी पूरी बन चुकी है, मैं खाने के लिए आ गई। अभी ना हलवा भी बनाएंगे, तो जब भी शुभ कार्य हो ना सबसे पहले टीका लगाते हैं, तो मुझे यहाँ पे टीका लग चुका था, सभी ने लगा लिया था और तो मैंने भी लगा लिया। और तो यहाँ पे ना हलवा बन रहा है, अभी देखो सूजी डाल दी है बड़ी सी कढ़ाई में, उसको हिलाया जा रहा है, ये देखो महिलाएं सुबह सुबह ना हलवा पूरी बनाते हैं, फिर जाके का आगे का कार्यक्रम होता है, फिर जाके और बनाते हैं ब्राह्मण या टेंट वाले खाना बनाते हैं। वैसे टेंट वाले कल बनाएंगे बारात में, आज ब्राह्मण ही बनाएंगे। तो यहाँ पे ना हलवा बन चुका है, अब इसमें डाल रहे हैं पानी और गुड़ डाल दिया होगा, ये देखो गुड़ भी डाल दिया, पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये बनाने के बाद सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाया जाता है भोग, फिर जाके ये देखो फिर जाके सभी महिलाएं खाती है। तो यहाँ पे ना शैली लक्ष्मी थी, तो पूजा जी की लड़की,
मैं इससे बात करने लगी थी, मैंने कहा तू हेलो गाइस बोल, हाय करके बोल, पर ये बोल ही नहीं पा रही थी। बहुत सीधी स्वभाव की है ना ये। तो यहाँ पे ना हलवा भी बन चुका है, कढ़ाई निकाल दी है चूल्हे से, ये देखो। अब सबसे पहले भगवान जी के लिए निकालेंगे, फिर जाके जिन जिन ने पूरियाँ बनाई है सभी महिलाएं खाएंगी। तो यार पूरी बनने के बाद पूरी उरी खा ली थी, अब हम जा रहे थे थोड़ा देर घर, तो घर जाके आते हैं फिर आएंगे, थोड़ी हल्दी की रस्म होगी तो फिर जाके। अभी मेरे से ना ठीक से टाइप नहीं हो रहा है, लोग मेरी हंसी भी करेंगे, ऐसी होता है मेरे साथ। ये देखो बंदरों ने ऐसा हाल कर दिया है सर, ये काटने को आ रहा है। मैं आई हूँ अभी ऊपर घर, यहाँ नीलू मम्मी लोगों के घर में, अब यहाँ से जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ना हल्दी की रस्म नहीं हुई थी शुरू, तो हमने कहा यहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फिर जाके जाएंगे। और बताओ अच्छा नाचण में नहीं लगला तू तो क्या होती तनो तनो डगार आलो जब ना कसू यो प्यार बैठा लो। तो यार यहाँ पे ना हल्दी की रस्म हो रही थी और सभी फैमिली के हल्दी लगा रहे थे, चाचा चाची मम्मी पापा और मामा मामी लोग, ये देखो यहाँ पे सभी। और पर दुल्हन बहुत रो रही थी आज, ये देखो शादी के दिन ना रोना आ जाता यार बहुत ज़्यादा, ये देखो सभी रोने लग गए थे। Thank you.
तो यार फैमिली के सभी मेंबरों ने एक एक करके हल्दी लगा ली है, और तो मुझे लग रही है अब दुकान की जबक। मुझे ना दुकान में मोमोज भी बनाने हैं, तो इस वजह से मैं आ गई थी। मैंने थोड़ी बहुत ये बच्चों की भी सेल्फी ले ली थी, इनकी वीडियो शूट कर ली थी, अच्छे लग रहे थे बच्चे। इसमें से एक छोटी सी बच्ची थी ना, ये बहुत रो रही थी यार, पता नहीं क्यों। आगे जाके ना बच्चों को पता क्यों हो जाता है डर के मारे, छोटे बच्चों को ना बहुत डर लगता है, कई बच्चों को, किसी को नहीं लगता है, इसका दिल ना बहुत कमज़ोर हो गया लग रहा है, तभी बहुत ज़्यादा रो रही थी। के 12 बजने वाले हैं, वहाँ ना हल्दी की रस्म हो ही रही थी, मैंने कहा मैं जाती हूँ, मैंने मोमोज भी बनाने हैं दुकान में, तो यार चलो चलते हैं।